सबसे पहले मैं करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज दिल्ली के बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने वाले सबके प्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले उप मुख्यमंत्री माननीय सिसोदिया जी, एजुकेशन डायरेक्टर SC/ST OBC वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सभी अधिकारीगण, सभी प्रिंसिपल्स, टीचर्स, सभी को नमस्कार। आज मुझे बहुत खुशी है और इसलिए भी खुशी है कि आज एक ऐसे शख्स का महापरिनिर्वाण दिवस है जिस पे लोग खुशी तो नहीं मना सकते, गम कर सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को साकार करना है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना से भारत को ओतप्रोत करना है, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बहुआयामी चरित्र को समझना होगा, उसको पढ़ना होगा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं ये सोचता था कि स्कूलों में इतने महान व्यक्तित्व को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि ये बात कम लोगों को पता है, क्योंकि कभी पढ़ाया नहीं गया स्कूलों में। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक रिसर्च पेपर था, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, उसी रिसर्च के ऊपर 1934 में भारत का रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अमृत सेन, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला इकोनॉमी का, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अर्थशास्त्र का अपना गुरु माना। इस देश में महिलाओं के सशक्तिकरण का आंदोलन, ना केवल आंदोलन उन्होंने चलाया बल्कि उनके लिए उन्होंने कानून बनाए। 1942 में मैटरनिटी लीव एक्ट दिया, एक लेबर मेंबर रहते हुए वायसराय की काउंसिल में। मिनिमम वेज एक्ट दिया, काम के घंटे निर्धारित किए, और उसके बाद जब आज़ाद भारत में प्रथम कानून मंत्री बने तो हिंदू कोड बिल लेके आए। बड़ा संघर्ष उन्होंने किया, चूँकि उससे पहले महिलाओं की स्थिति ये थी कि अगर पति कितना भी जालिम व क्रूर क्यों ना हो, महिलाओं को तलाक लेने का हक नहीं था, और अगर जवानी में ही पति की डेथ हो जाए तो उन्हें दूसरी शादी करने का भी हक नहीं था। पति अगर उसको छोड़ दे तो गुजारा भत्ता लेने का भी हक नहीं था। अगर बच्चे नहीं होते तो बच्चों को गोद लेने का भी हक नहीं था। इन सारे हकों को हिंदू कोड बिल के रूप में संसद में लाने वाले, महिलाओं को सशक्तिकरण का रास्ता बनाने वाले, और इस देश के मजदूरों को उनको हक दिलाने वाले ऐसे शख्स, जो विश्व के महानतम अर्थशास्त्री भी थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे, उनको केवल एक दलितों का मसीहा के रूप में पेश करना, उनके कद को छोटा करके दिखाना, और ऐसे में जब पूरे देश से एक आवाज़ उठ रही थी कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बहुआयामी चरित्र को स्कूलों में पढ़ाने की ज़रूरत है, आज वो हमारा सपना, पूरे देश के युवाओं का सपना, महिलाओं का सपना, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के माध्यम से आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शुरू हो रहा है, और मैं समझता हूँ ये पूरे देश में यहाँ से संदेश जाएगा, और कम से कम देश में रहने वाले सभी लोगों को उनके बहुआयामी चरित्र से अवगत कराने में दिल्ली की सरकार कामयाब होगी। मैं ऐसे अवसर पर मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन श्रद्धांजलि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को आज दिल्ली की सरकार दे रही है, मैं भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।